प्यारे ग्रामीण डाक सेवक भाइयों एवं बहनों, आज मुझे फिर एक बार पुनः आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। बड़ी वेदना मन में है, एक गहरा भाव मन में छिपा है कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने रूबरू नहीं हो सकता। आज मुझे थोड़ा समय मिला है तो मन से एक आवाज़ निकली कि आपके सामने अपने थोड़े से चंद विचार रखूं, जिसमें मैं अपने दिल से और सभी ग्रामीण डाक सेवक की ओर से हमारे माननीय यूनियन के नेताओं से अपील करनी चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप ने अभी सांकेतिक धरने का प्रदर्शन किया या आगामी दिनों में भी डाक भवन में धरना देने की बात कही है, हम पूरे भारत के ग्रामीण डाक सेवक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और साथ में उम्मीद भी करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी तक आपकी बात, आपके धरने की बात व सभी ग्रामीण डाक सेवकों के हितों की बात उनके ऑफिस तक पहुँचे, कार्यालय तक पहुँचे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। थोड़ा सा मन में एक विचार प्रकट हुआ है कि तमाम ग्रामीण डाक सेवकों की जो मंशा है वो यही है कि हमें नियमित किया जाए। हमारे ऊपर ईडी कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो 3A लागू है उसके बारे में ज़्यादा सिफारिश की जाए, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ आप लोगों को अपील करके कहना पड़ रहा है कि ये जो अभी सांकेतिक धरना था आपका, इसमें भी वो मांग कहीं मुझे नहीं दिखी कि नियम 3A को हटाया जाए, हमें नियमित किया जाए, हमें पेंशन दी जाए। और जब मैंने उस मांग पत्र को पढ़ा तो उसमें 56 सूत्रीय मांग थी। मान्यवर 56 मांगे तो घर के मुखिया भी पूरी नहीं कर सकता अपने परिवार की। जब आपको ग्रामीण डाक सेवक के जीवन के विषय में, इनके नौकरी के विषय में हर बात से पता है कि हम नियम 3A जब तक हमारे ऊपर लागू है तब तक हमारा कुछ भी विकास नहीं हो सकता, पदोन्नत नहीं हो सकते, ना ही हमारे पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये नियम एक ऐसी छड़ी है, ऐसा चाबुक है जो मुगल साम्राज्य से लेकर के आज दिन तक जो है हम पर लागू है। भारत को आज़ाद हुए 73 वर्ष हुए हैं, किंतु बड़े खेद का विषय है कि हमारी चारों पांचों यूनियन इसके बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा संकोच करती है। अभी हाल ही में 2018 में कमलेश चंद्र की रिपोर्ट लागू हुई है और उसमें बहुत सारी विभिन्न मांगों को कमलेश चंद्र जी ने बड़े गंभीरता से उठाया था, लेकिन खेद का विषय है कि जब हमारी हड़ताल समाप्त हुई तो हमारे किसी भी नेताओं ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या रिपोर्ट जो है वो कमलेश चंद्र कमेटी के अनुसार लागू होगी या उसमें विभाग द्वारा कुछ काट छांट भी की जाएगी, किसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। अंततोगत्वा ये हुआ कि विभाग ने उस रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ करके हमारे सारे मिलने वाले बेनिफिट्स जितने भी हमें मिलने थे वो सारे काट छांट के रख दिए और अब हमारी यूनियन ने, चाहे वो महादेवय जी की हो, पी मुरलीधरन जी की हो और अपने BMS की यूनियन हो, सुगंधी कुमार मिश्रा जी, संतोष कुमार जी की यूनियन हो, उसमें भी एक मांग को एक वर्ष में पूरा किया जा रहा है। तो आप बताइए कि अगर कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट में 56 या 58 मांगे थी तो इस हिसाब से तो 58 वर्ष लग जाएंगे इन मांगों को मनवाने में। और नियम 3A जो हमारे ऊपर ईडी कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है
उसके बारे में तो कहीं आप जिक्र ही नहीं कर रहे हो। और धरने की बात अगर करें तो जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया से पाया उसमें रात्रिकालीन धरना था। अरे महानुभवों, रात्रिकालीन धरना कौन आपका सुनेगा? बड़े बड़े कार्यालयों में चौकीदार रखवाली करने होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपकी आवाज़ को सिर्फ एक उस दफ्तर में रखवाली कर रहा चौकीदार सुन रहा है, ना तो सरकार उसको अमल करेगी ना विभाग उसको अमल करेगा। तो एक ही विनती करता हूँ कि जब भी कभी धरना करना हो या स्ट्राइक करनी हो, हड़ताल करनी हो, तो दिन के समय में कीजिए। और इसके अलावा आज तक मैंने कहीं भी आप बड़े नेताओं को जिनको पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान की गई है हड़ताल करने की या मीडिया से रूबरू होने की, तो कभी मैंने आपका चारों पांचों यूनियन का राष्ट्रीय चैनलों पर इंटरव्यू नहीं देखा है, कभी भी आपने साक्षात्कार नहीं दिया है, ना कभी प्रिंट मीडिया से आप मुखातिब होते हैं। केवल यूट्यूब के ऊपर सारी बातें कह जाने से आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती। रही बात सोशल मीडिया की एक और, कि कुछ लोग कमेंट करते हैं फेसबुक के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, कि ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। अच्छी बात है कि ट्विटर पे जुड़ना बहुत बड़ी एक सफलता मानी जाती है, और वो आवाज़ हैशटैग करके जरूर किसी ना किसी हमारे मंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। लेकिन इसमें भी बड़ी विडंबना है कि अगर कोई भी नेता ट्वीट करे तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं उसको तुरंत जो है वो लोगों के प्रति जो उसको दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन ग्रामीण डाक सेवक एक ऐसा वर्ग है, ऐसा पीड़ित वर्ग है, ऐसा शोषित वर्ग है कि उसकी आवाज़ ना तो ट्विटर के माध्यम से कहीं सोशल मीडिया में आ सकती और ना कहीं राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से आ सकती है। तो महानुभवों, एक बार पुनः आपसे विनती है कि जब भी कोई आपका धरना प्रदर्शन हो या सांकेतिक प्रदर्शन हो या अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, तो देश का मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, उन्हें जरूर आमंत्रित कीजिए। आप बड़े बड़े होटलों में ऐशोआराम करते हैं, बड़े बड़े लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, इतना सारा देश का 3.5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों का चंदा आप लोगों की भिन्न भिन्न यूनियनों को पहुंच रहा है, तो क्या आप उसको अपने निजी आयाशी के लिए उड़ा रहे हो? अरे आखिरकार जिस प्रतिनिधि को चुना गया है उस प्रतिनिधि को उसका क्या दायित्व बनता है? ऐशोआराम करना दायित्व बनता है या कि ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों को, उसके ज्वलंत मुद्दों को सरकार और विभाग तक पहुंचाना आपका एक परम दायित्व बनता है, एक संवैधानिक दायित्व बनता है? और थोड़ी सी विभाग के बारे में भी बात करनी चाहूँगा कि जब IPBP लॉन्च हुआ था सितंबर में 2018 में, तो उसमें भी आप सभी नेताओं को जो है वो बुलाया गया था। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि डाक विभाग कहीं ऐसा साजिश ना रच रहा हो कि IPBP को बढ़ावा दे करके अब खाते भी ग्रामीण डाक सेवक से खुलवाए जा रहे हैं, टारगेट पर टारगेट आ रहे हैं। आज 20 खाता खोलो, आज 25 खाता खोलो, रोज तो अपना हाथ मुंह भी नहीं धोया जाता। और इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं कहना जा रहा हूँ जो सभी आपको अच्छी लगेगी, कि ये मेले लगाने का सिस्टम बाकी विभागों में नहीं है। टारगेट प्रत्येक बैंक के होते हैं, प्रत्येक विभाग जितने भी भारतवर्ष में है, वो चाहे केंद्रीय विभाग है और चाहे राज्य सरकार के विभाग है, तमाम विभागों के एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन होता है, लेकिन किसी भी विभाग का कोई मेला नहीं लगता। मैं अपने मुखिया से, डाक विभाग के मुखिया से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जब हमारे को आप इतना निकम्मा और निठल्ला समझते हैं ग्रामीण डाक सेवकों को, कोई भी हमारे वेतन भत्तों में वृद्धि करनी हो, कोई भी हमारे अलाउंसेस जो हमें मिलते हैं उसमें, चाहे CDA है, चाहे MCA है, चाहे जितने भी मिलने वाले भत्ते हैं उसके बारे में अगर कोई डाक का छोटा सा ग्रामीण डाक सेवक एक अप्लीकेशन देगा इस मामले में कि मेरे कार्य के साथ कोई अन्य कार्य जुड़ा है, तो उसको ना जाने कितनी प्रताड़ना उसको झेलना पड़ता है, बावजूद इसके भी वो जो है वो स्वीकृत नहीं किया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे यूनियन की मैं नाकामी मानता हूँ, और इसके बारे में आपको हमारे डाक निदेशालय में बैठे बड़े बड़े आला अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए। और रही बात मेलों की, तो मेलों में अक्सर लक्ष्य जो पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करते हैं वो ग्रामीण डाक से प्राप्त करते हैं।
मेरे इस हिसाब से तो विभाग की जान पहचान कहीं किसी से नहीं जुड़ी है, वो केवल डाक विभाग हमारा इस्तेमाल करके जो है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करवाता है। एक निवेदन ये भी है कि ये मेले का जो प्रक्रिया है वो त्वरित रूप से बंद की जानी चाहिए। हमारा इस नाम पर भी शोषण हो रहा है। बड़े बड़े आला अधिकारी हमारे, चाहे हमारे ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, जो हमारे सम्माननीय अधिकारी हैं या जो हमारे नियोक्ता अधिकारी हैं, उन लोगों को पब्लिक के बीच जाना चाहिए, वो पब्लिक को समझाए। गैदर करना हमारा काम है, आप हमें बोलिए, इतने लोग इकट्ठे करिए, उनसे आप रूबरू क्यों नहीं होते? क्यों आप डाक विभाग के छोटे ग्रामीण डाक सेवकों को, जिनका अपने जिंदगी में जो हमारी जो अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं कर पाते, इतने छोटे वेतन में 10 से 12 हजार रुपये आप हमारे को देते हो, ऊपर से इतना काम लाद दिया गया है कि जितना एक बैंक मैनेजर का भी नहीं होता, और जितने भी हमारे ग्रामीण डाक सेवक है, चाहे वो MD है चाहे MC है, उनसे भी लक्ष्य प्राप्ति का संसाधन, पहले तो इस बात को आप डाक विभाग के माध्यम से बंद करवाइए शोषण, ठीक है? कार्य उतना ही होता है, जो गांव में बैठे ग्रामीण डाक सेवक है वो कहाँ से इस चीज का उपार्जन करेंगे? आपको पता है गांव की आबादी 200, 250, 300 हो, और आप कहेंगे कि आप 1000 खाता खोलिए, तो जब जहाँ की आबादी उतनी ही है वहाँ आपका कैसे लक्ष्य प्राप्ति होगा? तो महोदय ऐसा नहीं है कि ग्रामीण डाक सेवक दिन रात कार्य कर रहा है, जी तोड़ और ऊर्जा से काम कर रहा है। मैं स्वयं जो है वो 53 वर्षीय हूँ, फिर भी मेरी ऊर्जा और मेरा जो जुनून है वो इस बात की गवाही देता है कि ठीक है, हमने क्यों लताड़ सहनी है, लगे हैं अपने काम से, लक्ष्य प्राप्ति होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस गांव की आबादी जो है वो 250 होगी, वहां आप कहोगे उस डाकघर को कहोगे कि आप 1000 खाता खोलिए, तो जिसकी आबादी 250 है वो कैसे 1000 खाता जो है वो खोल पाएगा? तो इसके बारे में भी यूनियन के सभी नेताओं को बात करनी चाहिए। रही बात हमारे अलाउंसेज की, तमाम GDSO को जो संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं इस मुद्दे को अभी तक भी जो है वो हमारे अफसरान जो है वो जो है इग्नोर कर रहे हैं इसको, बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि GDS को उनका कार्य भत्ता मिले या संयुक्त कार्य भत्ता मिले, है ना जी? तो ये मैं आप लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश अपने डाक निदेशालय तक पहुंचाना चाहता हूं। कार्य तो ये आप लोगों का था, जो चुनिंदा हैं, जिनको प्रतिनिधि बनाकर जो है वो हमने बिठाया है दिल्ली की उस गद्दी पे, यूनियन की उस गद्दी पे। तमाम यूनियनों की बात है, कोई मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना ही ज्यादा मैं यूनियन के इसमें दखलअंदाजी करना चाहता। केवल एक बात मन में उठी है, वो आपसे रूबरू होके कर रहा हूं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और मेरे मन में आई है कि IPBP का कार्य जो इंसेंटिव पर कराया जा रहा है, ये बिल्कुल कहीं भी वाजिब नहीं है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से इस तरह का कार्य नहीं लिया जाता, और इंसेंटिव भी क्या है? मैंने पिछले एक वीडियो में निवेदन किया था आपसे कि मेरे एक साथी हैं उत्तर प्रदेश के, SN शर्मा जी, उन्होंने 2000 खाता खोला IPBP का और 800 खाता जो है वो POSB का लिंक किया, तो उनकी जो कमीशन आई वो 22 रुपये 11 पैसे आई। तो मैं उसको सुन के हैरान हो गया कि डाक विभाग आखिर ग्रामीण डाक सेवकों को क्या हल करने जा रहा है। महोदय, आप सभी चारों यूनियन के नेताओं से मेरी गुजारिश है कि एक तो ये 56 सूत्रीय मांग या 5 सूत्रीय मांग या 10 सूत्रीय मांग, इसको करना बंद कीजिए। आज सभी ग्रामीण डाक सेवक पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, सभी सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं। ये जिस प्रकार से हमारे पूर्व सरकारों ने शोषण किया जनता का, भारत का शोषण किया, और धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्य नहीं हुए, कार्य हुए हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में ये सब छिपने वाला नहीं है। आप क्यों फालतू की मांगों को रख रहे हैं? आपकी केवल एकमात्र मांग होनी चाहिए, नियम 3A हटाओ, तमाम डाकघर के कर्मचारियों को जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको नियमित करो, उनको पेंशन की व्यवस्था करो, और नियम 3A को जो है वो तुरंत प्रभाव से इसकी आवाज़ जो है वो लोकसभा राज्यसभा से अपने अपने सांसदों के माध्यम से उठाई जानी चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ संसद तक पहुँचे, तभी जाके सरकार और विभाग जो है वो उस MP के क्वेश्चन का या उस सांसद के क्वेश्चन का उत्तर देगी कि आखिरकार जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के जो फालतू कानून थे 1450 कानून बदले हैं, और ऊपर से एक बहुत बड़ी धारा जो हमारे भारत के कश्मीर में लागू थी 370A और 35A जैसे अनुच्छेद हटाए हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा कार्य होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और माननीय रविशंकर प्रसाद जी, जो कि एक बहुत ही माने चुने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और हमारे
हाल वक्त जो है वो संचार मंत्री हैं, उनके माध्यम से आप मिलिए, उन्हें कहिए महोदय क्यों आजाद भारत में ग्रामीण डाक सेवकों को जो है वो आज भी जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। हम खूब कार्य करेंगे, दिन रात कार्य कर भी रहे हैं और भी करेंगे। मैं सिर्फ एक ही आवाज अपने माध्यम से आप नेताओं को पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक सूत्रीय मांग रखिए, नियम 3A हटाओ, हमारे को रेगुलर करो, ग्रामीण डाक सेवकों को 3.5 लाख हम कार्य करते हैं पूरे देश में, गांव गांव में फैला हमारा नेटवर्क है और सबसे बड़ा नेटवर्क डाक विभाग का है। 150 साल पुराने इस रूल को, इस कानून को एकदम से निरस्त किया जाए और इसमें आप लोगों की, नेताओं की ज्यादा भूमिका हो सकती है। ये 56 सूत्रीय मांगे, 10 सूत्रीय मांगे, 5 सूत्रीय मांगे, ये तो आप उल्लू बना रहे हो। जिस प्रकार से रात को धरना दे रहे उल्लुओं की तरह, उल्लू जागते हैं रात को, दिन में जागते हैं इंसान, या कोई भी कार्य प्रणाली जो दिन को चलती रात को नहीं चलती। ठीक है, आपका तरीका एक नजरिया एक अलग से है कि रात को धरना हो, कौन किसने सुना है, किसी मीडिया ने रिपोर्टिंग नहीं की है, किसी चैनल ने उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया, किसी प्रिंट मीडिया ने में उसकी खबर नहीं आई, तो ये क्या धरना था? अरे इस प्रकार तो अपने घर में बैठ के रात को बातें कर लेते हैं। मेरे सहवानों, आपसे एक ही निवेदन है कि जब भी कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, स्ट्राइक हो, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक हो, एकदम सोशल मीडिया में, राष्ट्रीय चैनलों में प्रसारित कीजिए ताकि सभी जन जन तक आपकी आवाज पहुंचे। मैं ज्यादा ना कहता हूं, अपने विषय और वाणी को विराम देता हूं। एक निवेदन और है कि 2 अक्टूबर को हमारे हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारतीय मजदूर संघ द्वारा जो है वो सर्कल के चुनाव भी होने हैं, मंडल के चुनाव भी होने हैं। जहां जहां तक भी मेरी इस आवाज को इस YouTube के माध्यम से जो जो भी आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन तक जा रही है, आपसे निवेदन है कि खासकर हिमाचल, जहां से मैं आता हूं देवभूमि हिमाचल, उन सभी अपने मंडल सोलन मंडल के सभी ग्रामीण डाक सेवक से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। मैं मानता हूं कि इस समय जो हमारी यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ यूनियन, वो भारतीय जनता पार्टी से एफिलेटेड है, या कि ये कहिए कि उसकी एक सहयोगी यूनियन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय और वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जीडीएस।